नेक्स्ट पॉइंट है न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स हमें किसके आधार पर पूछे जा सकते हैं? तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी निर्वात के लिए हम बात करते हैं तो निर्वात के लिए 1/4πε0 का मान दिया हुआ है। निर्वात के लिए 1/4πε0 की वैल्यू दी हुई है 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, तथा दूसरे के लिए μ0/4π×10⁻⁷ वेबर प्रति मीटर। ये हमें दोनों की वैल्यू दे रखी है, तो हमें इसके लिए निर्वात के लिए वेग का मान ज्ञात करना पड़ेगा, प्रकाश का वेग। निर्वात में इसका वेग का मान हमें ज्ञात करना है। विद्युत चुंबकीय वेग का मान ज्ञात करना है, तो इसमें हम किस प्रकार से करेंगे? इनमें जो संबंध होता है वो इसमें C=1/μ0ε0, ये इनमें दोनों में संबंध होता है, प्रकाश के वेग के लिए और निर्वात के लिए, इन दोनों की चुंबकशीलता और इसके लिए वैद्युतशीलता का मान। अब हम इनमें इनके दोनों के मान रखेंगे। C=, पहले हम μ0 के रूप में मान रखेंगे, तो μ0 का 1/4π×10⁻⁷ अब हम इसको 1/4πε0 के रूप में रखेंगे, तो किस प्रकार से कहेंगे? 4π0 9×10⁻⁹, ये इसके लिए वैल्यू होगी। अब इसका हम 4π से 4π कैंसिल कर देंगे, तो इसका मान ये यहां पर इसके साथ में रूट लगेगा, तो वापस इसको किस प्रकार से करेंगे? C=1/10⁻⁷×1/9×10⁻⁹। रूट के रूप में ये इसकी वैल्यू होगी, 9×10⁻⁹ के रूप में, क्योंकि ये 1/4πε0 के रूप में इसका मान है। तो C=, इसको हम 1/10⁻⁹, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 16 हो जाएगा इसके रूप में। अब इसको वापस हम रखेंगे, तो 9/10⁻⁶ रूट C=, अब हम इसका रूट कर लेंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर ले जाने पर क्या होगा? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारे लिए प्रकाश का वेग का मान प्राप्त होगा, क्योंकि प्रकाश का वेग होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना था दोनों के लिए, चुंबकीय क्षेत्र के लिए और विद्युत क्षेत्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसमें इसके आधार पर आपेक्षिक पारगम्यता के आधार पर, तो क्वेश्चन किस प्रकार से होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपेक्षिक पारगम्यता के आधार पर, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है? या आपेक्षिक पराविद्युतांक, आपेक्षिक पराविद्युतांक
पांच दे रखा है तथा अपेक्षित पारगम्यता एक है, तो तरंग के लिए वेग का मान ज्ञात करना है।